Hi Sumit. Hello. Hi sir. Good evening. Good evening. So is it right time or? Yes, it is right time. Tell me right from the beginning. Right now, just explain the sequence of events to me. Okay sir. Why you booked the two flats? Okay. Then what happened? What was your offer to pay for one flat while transferring the amount to the other flat? You know, whatever it was, whatever happened. Sure, sir. Yeah. January 25, 2020 को मेरे फादर मदर और कुछ फ्रेंड्स उनके लोधा पलावा सिटी विजिट किए तो वहां पे सेल्स टीम्स में गाइड किए प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिए कि क्या प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है और मेट्रो यहाँ से कितना दूर होगा लोधा खुद अपना रोड बना के ये पूरा मतलब लोकेलिटी को हाईलाइट करेगा वैसे तो पूरा 3D में दिखाए के प्रोजेक्ट बनने के बाद ऐसे होगा मेरे फादर के साथ और तीन लोग थे 25th को देखा और फिर 26th को फाइनलाइज किया कि हाँ हम लोग जाएंगे जान 26 2020 को फाइनलाइज हुआ कि हम लोग बुक करेंगे वो लोग सेल कर रहे थे अराउंड 54-55 lakhs बट जबकि मेरे फादर ने दो फ्लैट रखने का डिसीजन लिया और उनके तीन दोस्त ने तीन और फ्लैट्स तो टोटली 5 lakhs में बल्क बुकिंग के हिसाब से 50 lakhs 50,000 ऑल इंक्लूसिव पड़ा तो उसमें से डिसीजन लिए और फाइनली 26 को बुक करने के लिए लोधा ऑफिस गए तो जब सब कुछ फाइनलाइज हुआ और उनके सेल्स टीम ने बोला कि 50.5 पड़ेगा ऑल इंक्लूसिव तो हम लोग तो बहुत खुश थे सर कि पहली बार मुंबई में घर ले रहे हैं और 50.5 में मिल रहा है तो मेरे फादर ने दो बुक किए उसका कोड नेम स्मार्ट बाय फ्रेस्का J901 और J1102 अच्छा लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो आपने यहाँ पे फ्लैट्स बुक क्यों किया यानी क्या समझ के बुक किया वाई लोडा वाई पलावा सिटी एक्चुअली मेरे फादर के जो फ्रेंड है वो मुंबई में काम करते हैं वो बोले कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है लोधा का और अपने को कोई आइडिया नहीं है सर मुंबई का कैसा है क्या है एक तो वेस्ट था कि एक मुंबई में फ्लैट चाहिए क्योंकि मुंबई में नॉर्मली जब सुनते हैं कि घर 2-3 crore का आता है तो अच्छा। जब 50.5 बोले और लोधा का इतना बड़ा बिल्डर दे रहा है तो यानी आपको मुंबई की ज्योग्राफी के बारे में कुछ खास पता नहीं था ऐसे बोलूंगा तो सही रहेगा हाँ बिल्कुल सही है सर यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द ज्योग्राफी एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ बाइंग अ फ्लैट इन मुंबई करेक्ट तो आपको लगा कि यार ये 50 लाख में फ्लैट मिल रहा है और मुंबई में सारे फ्लैट्स 2-3 crore के हैं विच यू नो यू सॉर्ट ऑफ जनरलाइज्ड ओवर होल ऑफ मुंबई बट डोंबिवली इज नॉट मुंबई वो डोंबिवली इज वेरी फार फ्रॉम मुंबई हम लोग को पता नहीं था बट एंड ऑफ द डे एक बस विश था कि हाँ एक घर होना चाहिए तो एक यानी कि थोड़ा बाहर वाले के नजरिए से आपने सोचा बिल्कुल सर ठीक है ओके तो वही सर आई मीन 99,000 पर दो फ्लैट बुक किया 99,000 एक फ्लैट का बुकिंग अमाउंट देके एप्लीकेशन साइन करके फिर 1,54,000 अराउंड सेकेंड बुकिंग दिया और फिर 9,28,000 अराउंड हम लोग पे किए March 1st को और थर्ड बुकिंग अमाउंट तो उसके बाद लोधा ने बोला कि 30,000 आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए 30,000 पे करना पड़ेगा 30,000 रजिस्ट्रेशन के लिए और कुछ बाकी पेंडिंग आ रहा था 66,000 अराउंड तो वो भी पे कर दिए सर ऑन 11th March 2020 वी पेड पर फ्लैट अराउंड 12,77,000 हम लोग पर फ्लैट पे किए तो ऑल टुगेदर देखते हैं तो 25.5 lakhs हम लोग पे किए फॉर बोथ द फ्लैट्स तो फिर सर मार्च तक तो इंडिया में इतना कोविड का सीन नहीं था सब सिचुएशन नॉर्मल था और मेरे फादर कंप्लीटली बिजनेस बैकग्राउंड है मतलब होटल है और बार था तो विद द करंट सिचुएशन एंड इनकम ही पापा ने बोला ठीक है दो फ्लैट 50.5 का और उनका जब डिमांड्स आएगा जो कि 3-4 months में आता है अराउंड 5-6 lakhs तो वो वेरी मतलब कन्वीनियंट होगा पे करने के लिए उसको सोच के बुक कर लिया बट कोविड अराउंड March 17th तो कोविड आ गया और 17th के बाद कंप्लीट लॉकडाउन हो गया सर तो वो कंप्लीटली बिजनेस इम्पैक्ट हो गया जो अपना होटल था बार था सब कुछ शटडाउन हो गया उसके वजह से हम लोग पे नहीं कर पाए बाकी उनका जितना भी डिनर ये होटल बार वगैरह कहाँ पे है
फिर बरमपुर धर्मपुर ओके हाँ तो फिर सर बाहर भी हम लोग मैनेज नहीं कर पाए तो आई मीन बाहर का लाइसेंस भी चला गया फिर बस अभी बस होटल है और फैमिली में एक छोटी सिस्टर का भी डेथ हो गया बिकॉज ऑफ कोविड तो आई मीन वहां पे भी बहुत सारा खर्चा हो गया सर टोटल फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं यानी बिजनेस वाइज भी क्राइसिस हो गया और घर में भी फाइनेंशियल क्राइसिस भाई घर का हेल्थ क्राइसिस भी हो गया करेक्ट तो उसके वजह से हम लोग जितना भी डिमांड सुनकर आया हम लोग पे नहीं कर पाए क्योंकि सर हेल्थ इम्पोर्टेंट है घर तो कभी भी करेक्ट करेक्ट है ना सो यानी कि आपको डिमांड्स आ रहे थे बट यू आर नाउ यू स्टॉप पेइंग हर दूसरा दिन कॉल्स आ रहा था कि आपका इतना डिमांड्स है मतलब ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज ही नहीं था सर अच्छा ये कौन से महीने में डिमांड्स आ रहे थे हर थ्री फोर मंथ्स में एक एक डिमांड्स आए सर अभी अभी एज पर टुडे हम लोग देखेंगे तो अराउंड 17-18 लाख का डिमांड्स पड़ा हुआ है जो हम लोग पे नहीं किए और हर हम बोल सकते हर अल्टरनेटिव डे उनको बोले कि ऐसे सिचुएशन है इवन फेब में ये ईयर 2021 फेब में हम लोग बोले कि हम लोग का ऐसा सिचुएशन है और हम लोग पे नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट एक यूनिट कैंसिल करवा दो क्योंकि जो मेरे मदर के नाम पे था उसको कैंसिल कराने बोले बट वो लोग बोले विल टेक इट इनटू कंसीडरेशन बट कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया सर उनकी तरफ से अंडरस्टूड ये रिव्यू के अंडर है बट कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया कि हाँ कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी आंसर नहीं आया तो ये कब से फॉलो अप कर रहे हो स्टार्टेड व्हेन डिड द फॉलो अप स्टार्ट यू सेड यू विल कैंसिल तो कौन से महीने में आपने बोल रहा हूँ मई 2020 से वो लोग फॉलो अप कर रहे थे कि पे करने के लिए डिमांड जनरेट हुआ फाइनली सर फिर फैमिली बिजनेस गया फिर डेथ्स भी हो गए ना फैमिली भाई डेथ हुआ सेप्टेम्बर लास्ट ईयर ठीक है तो फिर हम लोग फेब में डिसाइड किए कि नहीं हम लोग नहीं जा सकते और हम लोग ने एक मेल भेजा फॉर्मली कि हम लोग और प्रोसीड नहीं करेंगे दो यूनिट के साथ एटलीस्ट एक यूनिट कैंसिल करवा दो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है करेक्ट नहीं रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट नहीं हुआ है अग्रीमेंट नहीं हुआ है नहीं ना अग्रीमेंट हुआ ना रजिस्ट्रेशन हुआ वही लास्ट कम्युनिकेशन था कि लोधा के साथ फॉर्मली कि हम लोग एक यूनिट कैंसिल करेंगे फिर सर कुछ कॉन्क्रीट आंसर उनके तरफ से नहीं आया यानी तो, आपका ऑफर ये था कि एक यूनिट कैंसिल करते हैं और उसका जो अमाउंट है वो दूसरे में एडजस्ट कर लो एग्जैक्टली सर एक अमाउंट कैंसिल करके बाकी अभी ऑलरेडी हम लोग 25.5 पे कर चुके हैं तो बाकी जो अमाउंट है वो दूसरे में एडजस्ट होगा तो हम लोग को बस और 24.5 पे करना होगा अराउंड 25 तो हो जाता तो वो लोग कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिए जुलाई में मैंने बोला कि ठीक है उनके तरफ से कुछ पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है तो मैं एक यूनिट रख दूंगा मैं उनका सेकंड सन हूँ यंगर सन एक मेरे फादर रखेंगे एक मैं लोन लेके सेकंड वाला यूनिट कंफर्म कर मैं ले लूंगा अपने नाम पे और कंटिन्यू करेंगे बट सर मेरा ऑलरेडी कुछ लोन्स है मतलब कार और ईएमआईस चल रहे हैं तो मेरे को उतना लोन नहीं मिला तो मैंने उनको ये भी कंफर्म किया कि मेरा लोन नहीं हो रहा है मेरे फादर जा रहे हैं डिस्कस करने तो अभी अगस्त 15 को सर मेरे फादर मदर और उनके फ्रेंड्स सब गए थे डिस्कस करने लोधा ऑफिस मेन हेड ऑफिस गए यू केम फ्रॉम ओरिसा फॉर दिस वर्क इज इट फॉर डिस्कसिंग ओनली टू चेक आई मीन डिस्कस विद लोधा बिकॉज उनके साथ फोन में बात करेंगे तो वो बोलते हैं आप आओ बात करते हैं ठीक है तो हम लोग जब गए उनके साथ बोले के ठीक है अभी हम लोग दो यूनिट नहीं रख सकते हम लोग दोनों कैंसिल करना चाहते हैं बिकॉज हमारा फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं रहा जैसे था अभी भी सर होटल में डाइनिंग परमिशन नहीं मिला अच्छा ठीक है तो यू स्टिल नॉट एबल टू डू डाइनिंग इन द होटल इज इट ओके तो स्टिल कोविड रूल्स इम्प्लीमेंटेड है और अभी शायद सर अगस्त आई थिंक 18th या 19th से शुरू हुआ सर डाइनिंग टिल दैट शुरू नहीं हुआ था Okay. तो और हम लोग कोई ऑनलाइन भी उतने लोग नहीं है ना सर मेरा फादर बस हैंडल करते हैं तो ऑनलाइन भी उनको समझता नहीं है तो ऑनलाइन का बिजनेस भी नहीं है बस मतलब बेसिक लोग आते हैं खाते हैं वैसे वाला बिजनेस है ओके अंडरस्टूड ओल्ड फैशन होटल बिजनेस हाँ हाँ ओल्ड फैशन होटल है हमारा नियरली 80 ईयर्स ओल्ड होटल है सर वहाँ पे ओके तो कोविड से पूरा इम्पेक्टेड हो गया तो सर अगस्त 15 को मेरे फादर गए उधर तो जब मिस्टर कैनेडी इज द सेल्स मैनेजर ओके फॉर आवर बोथ द यूनिट्स तो जब उनसे बात किए तो वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन ऑप्शन ही नहीं है
मैं बोला मैं पे ही नहीं कर सकता और बाकी तो बोल रहे आप जब पे करना है करो, बट कैंसिलेशन ऑप्शन ही नहीं है हमारा लोधा. तो मैंने बोला सर मेरा 2 यूनिट का 25 लाख पड़ा हुआ है आपके पास और आप बोल रहे हो मैं और बाकी पे नहीं कर सकता. मैं सर बोल दिया हूँ कि मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा, मैं पे नहीं कर पाऊंगा. फिर भी वो बोल रहे हैं आप मंथली जितना भी होता है 10,000-20,000 आप पे करो, मैं 3 ईयर तक आपको इंटरेस्ट वेवियर दे रहा हूँ प्रोवाइडेड आप कल ही रजिस्ट्रेशन करो. 3 ईयर के लिए आपको पूरा इंटरेस्ट वेवियर दे रहा हूँ, आप कल रजिस्ट्रेशन. हम लोग सर ये बात हुई 17th of August इन लोधा ऑफिस, ठीक है. तो उनसे बात हुई, वो बोले कि सर आप 18th को ही रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है, और मैं आपको 3 साल के लिए इंटरेस्ट वेवर दे रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा आपको. जितना भी डिमांड जनरेट हो रहा है आप अपने हिसाब से जितना भी कन्वीनियंट होता है 10,000-20,000 आप पे करो पर मंथ पर यूनिट. तो मेरे फादर बोले ठीक है मैं 50,000 तक तो पे ही कर ही सकता हूँ पर यूनिट, अराउंड 1 लाख पर यूनिट पर मंथ. तो उन्होंने समहाउ कन्विंस कर दिए, ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिए मेरे फादर को कि आप दोनों यूनिट रख लो और आप अपने हिसाब से पे कर लो. तो मेरे फादर ने बोला ठीक है कुछ भी मैनेज करके 1 लाख पे कर सकता हूँ पर मंथ. तो जब हम लोग कैलकुलेट किए सर अगर 3 साल के लिए भी हम लोग पे करते हैं 50,000 पर यूनिट, तो हम लोग 1 लाख पर यूनिट ही पे कर सकते हैं पर मंथ. तो 36 मंथ्स के हिसाब से हम लोग 36 लाख पे कर सकते हैं, बट टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग आता है 75 लाख. तो हम लोग उस 3 ईयर्स में भी आधा ही पे कर सकते हैं. तो उनको ये भी बोला मैं नेक्स्ट डे मेरे फादर को समझाया कि नहीं अगर आप वो लोग 3 ईयर्स प्रीवियर इनका वो बस कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग को दोनों रखने के लिए, बट एज पर आवर कंडीशन हम लोग पे नहीं कर पाएंगे. आपका फाइनेंशियल कंडीशन एकदम इसमें चला जाएगा, रिस्क में चला जाएगा, वही चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे. नो डाउट सर आगे में भी बिजनेस इम्प्रूव हो सकता है, बट हम लोग को पता नहीं है ना सर सिचुएशन कैसा रहेगा. करेक्ट, कोविड में क्या हो रहा है वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग. वही तो अभी फिर थर्ड वेव आ गया तो सर फिर मतलब जो हम लोग सोचते हैं कि 50,000 पर मंथ पे कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे. वो भी नहीं, और आपने कमिटमेंट दिया है दे विल से देखो हमने एडजस्ट किया था आपके लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये हम लोग को ऑफर देंगे ओनली इफ वी रजिस्टर. हाँ तो रजिस्टर कर दिया तो एक बार उसमें पूरी तरह से घुस जाओगे. हाँ तो मैंने मेरे फादर को समझाया कि नहीं उनसे बात कीजिए कि अगर 36 लाख भी पे कर सकते हैं 3 ईयर में तो तभी भी हमारा और 36 लाख पेंडिंग रहता है तो हम लोग भी 50% ही पे कर पाएंगे. तो ये बात हुई और हम लोग नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं सौंप किए सर. हम लोग मिस्टर कैनेडी को बोले कि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज हम लोग नहीं पे कर पाएंगे. हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, उससे अच्छा पहले ही कर दो. करेक्ट करेक्ट. तो वो बोले कि ठीक है मैं अपना सीनियर मैनेजमेंट से बात करता हूँ. तो उनसे जब बात हुई तो वो क्या बोल रहे हैं मेरे को अराउंड 18th August 12 o'clock अराउंड कॉल आया सर. वो बोल रहे हैं कि ठीक है लुकिंग इनटू योर सिचुएशन बिजनेस कंडीशंस विल कैंसिल 1 यूनिट एंड विल डेबिट 4 लाख, क्योंकि जो सीवी अमाउंट है फ्लैट का वो 46 लाख का है जो बेस वैल्यू. तो उसके हिसाब से 10% डेबिट कर देंगे बोले, मतलब एज फोरफिट चार्जेस, फोरफिटिंग चार्जेस बोल के 4,65,000 रिमूव कर देंगे और बाकी हम लोग को जितना भी जो 12.5 पर यूनिट पे किए थे अगर 4,65,000 काट देंगे तो अराउंड 8 लाख ऐसे मिलेगा. तो मैंने बोला नहीं ऐसे ये तो गलत है, अगर चाहिए तो आप अपना दोनों कैंसिलेशन चार्जेस एज बुकिंग अमाउंट आप ले लो दोनों का, 1 लाख 1 लाख कैंसिलेशन चार्जेस ले लो दोनों का, क्योंकि हम लोग ना एग्रीमेंट किए हैं ना रजिस्ट्रेशन किए हैं. नो डाउट हम लोग कैंसिल कर रहे हैं इन द मिडिल. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट यू आर नॉट इन द मिडिल येट, ऑलरेडी 1.5 ईयर्स ऑलरेडी ओल्ड. आई मीन हम लोग पे नहीं कर पा रहे. एज पर योर चार्जेस आप 99,000 का जो आपका बुकिंग अमाउंट है टोकन वो डेबिट कर लो, वो एज ए कैंसिलेशन चार्जेस ले लो और बाकी हम लोग को वापस दे दो. तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया है उसमें लिखा है कि 10% ऑफ बुकिंग अमाउंट डेबिट होगा. तो बोला ये तो गलत है ना, पैसे ले भी ले रहे हो और अगर तो वैसा है तो दोनों कैंसिलेशन ऑप्शन भी नहीं दे रहे हो. अगर एक भी कैंसिल कर रहे हो सिचुएशन बहुत खराब है, फिर भी अगर एक ले ही रहे हैं तो आप सब कुछ ट्रांसफर करना चाहिए.
बट नहीं वो बोल रहे हैं कि 460 वहां पे कर देंगे और प्लस जीएसटी जो भी जीएसटी वो लोगों ने पे किया है वो भी डेबिट करेंगे. तो मैंने बोला ठीक है जीएसटी आप स्लिप दे दो, जितना जीएसटी आप पे किए हो वो भी डेबिट कर दो और बुकिंग अमाउंट भी डेबिट कर दो. फिर भी नहीं, वो बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपका 10% ही कटेगा. हर वीक में सर एक डिफॉल्टर नोटिस आता है, अगर विद इन 7 days रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो आपका ये कैंसिलेशन हो जाएगा. 4,65,000 कट जाएगा. अच्छा 4,65,000 पर फ्लैट. पर फ्लैट वो फोरफिट हो जाएगा क्योंकि आप पे नहीं कर पा रहे हो. फिर जब उनको पूछा तो वो बोले सिस्टम जनरेटेड मैसेज है उसको इग्नोर करो. ऐसे फंस गए हैं सर, मतलब ना अभी पैसे वापस मिल रहा है ना हम लोग पे कर पा रहे हैं आगे. ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था लोधा इतना बड़ा बिल्डर होके ऐसा कुछ होगा. सी ओके नाउ लेट अस जस्ट टेक इट इनटू पर्सपेक्टिव के व्हाट इज योर लीगल पोजीशन. Sure. So I will tell you 3 points that are in your favor. 3 points को लेके आप लड़ सकते हो. You can legitimately fight based on law. Okay. Okay. So अभी पहले I'll start with the sort of it is the weakest point in some ways. Okay. Weakest point ये है कि there is a clause called force majeure. Force majeure, I don't know if you are aware of this clause. Force majeure is a Latin phrase which means act of God. So for example, suppose you have a contract with Lodha that he has to give you a flat in the year 2020, whatever. What is the year of possession? Sir, initially they said 2022 March, but now they are saying it will be August or somewhere. 2020. Correct. तो वो जो सेकेंड डेट उनको मिला है, डेट एक्सटेंशन जो मिला है, वॉट एवर इज देयर ऑन रेरा, फ्रॉम दैट दे हैव बीन गिवन डेट एक्सटेंशन ऑफ मिनिमम 6 months एंड एज मेनी एज 18 months एंड सम बिल्डर्स हैव टेकन इवन मोर. नाउ द ग्राउंड ऑन विच दे हैव टेकन दैट डेट एक्सटेंशन इज देयर हैज बीन एन एक्ट ऑफ गॉड विच इज एन अनकंट्रोलेबल एक्ट ऑफ नेचर जिसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है, विच इज कोविड क्राइसिस. तो कोविड क्राइसिस इज अ फोर्स मेजोरे. ओके. एंड फोर्स मेजोरे क्लॉज इज ऑलवेज देयर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट. ओके ठीक है. तो फोर्स मेजोरे क्लॉज का मतलब ये रहता है, सपोज यू एंड आई हैव कॉन्ट्रैक्ट, आई एम टेकिंग इट अवे फ्रॉम लोधा बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल फर्स्ट. यू एंड आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सपोज टू गिव यू लेट अस से सप्लाई 10,000 पीसीज टू यू. And you may have not only given me advance, you may have given me a very large amount of the whole thing. Okay? Okay. Now, suppose there is a flood or an earthquake and mein jis truck mein aa raha tha, wo truck pura flood mein chala gaya. Okay. Now, that is an act of God. Haan. Mera PC, main delivery karne ja raha tha. Haan, mere side se koi problem nahi tha. Mere, bas delivery mein wo truck doob gaya. Delivery mein wo truck doob gaya. Now you can't say, no Krish, you have to give me or I will take you to court. It is force majeure. Ya fir, mera factory jo tha, jahan pe assemble ho raha tha, because of an earthquake, the whole thing crashed. I could not give you. So, you can't prosecute me because it is a force majeure. You can't hold me responsible when there are factors which are larger than your this thing. So, same way for builders, उनको फोर्स मेजोरे क्लॉज के अंडर 6 महीने से 18 महीने का एक्सटेंशन वैसे ही मिल गया है. हाँ. और थर्ड वेव आएगा तो और भी मिलेगा. फर्स्ट वेव में 6 महीने मिले, सेकंड वेव में और 1 साल मिला, मतलब 18 महीना हो गया. ओके. हाँ, okay, और ये बहुत जनरल बात कह रहा हूँ, सम पीपल हैव गॉट इवन मोर, दे हैव टेकन लॉन्गर एक्सटेंशन एंड दे कन्विंस्ड रेरा दैट वी आर नॉट एबल टू डू इट, सो वी आर यू कैन नॉट होल्ड अस रेस्पॉन्सिबल, वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं वगैरह. हाँ. वगैरह. ओके. लॉकडाउन हो रहा है पूरा कंप्लीट. लॉकडाउन हो रहा है, यू नो सो मेनी फैक्टर्स कम इन. सो सॉरी वी कैन नॉट डू इट, यू एक्ट ऑफ गॉड. अब भैया एक्ट ऑफ गॉड उनको लगता है तो यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट में यू आर इक्वल पार्टी, यू नो यू आर इक्वल कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज. उनको एक्ट ऑफ गॉड लगता है तो आपको भी लगता है. दे कांट से दैट यू हैव टू पे इवन इफ देयर इज एन एक्ट ऑफ गॉड ऑन यू. You are not able to pay. Why? Act of God. Same thing. Lockdown ho gaya, ye sab ho gaya. It is beyond your control. So you can invoke act of God. That is force majeure.
तो आपको अपने करेस्पॉन्डेंस में एक तो एक्ट ऑफ गॉड मतलब फोर्स मेजोर डालना चाहिए. यू मे नॉट हैव डन इट टिल नाउ, डू इट नाउ. ओके सी यू विल, ये लड़के पैसे लेने पड़ेंगे आपको. हाँ जी. तो लड़ने के लिए एक प्रिंसिपल आ जाता है फोर्स मेजोर एक्ट ऑफ गॉड. ठीक है, ठीक है. दिस इज वन. देन देयर इज अनदर प्रिंसिपल. द अदर प्रिंसिपल अगेन आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल, आई एम स्टिल स्टेइंग विद मीडियम. The other principle is application form. See, you have signed an application form which does not confer any rights on you. Not even one right is conferred on you. आप application form को जरा ध्यान से पढ़ोगे. Do you have copy of application form? हाँ जी, है. है. You send me the terms and conditions. You just scan and send it to me. You not sent me, no? Or you sent already? I think I have sent it, sir. Okay, you may have sent. But yeah. I know the standard application form of Lodha. I have seen the terms and conditions so many times. They have a this thing format, jiske andar terms and conditions mein they tell you that if forfeiture dal dete hain, wo uske andar forfeiture dal dete hain. They tell you that up to 10% forfeiture amount will be booking one or booking two, or booking one and two. One and two, which amounts to 9.9%. Correct. Okay. We can call it 10%. So 10% they can forfeit. ऐसे वो लिख के डालते हैं. And उस basis पे they tell you that we are going to forfeit. But there is one critical part which they are missing, which is that ये जो उनका जो ये clause है, it is illegal. How it is illegal, I will explain to you. Okay. So still अभी भी हम सेकेंड नंबर पे, वी हैव नॉट गॉन टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. इट इज इलीगल बिकॉज यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड यूनिलैटरली दे हैव पुट इन अ क्लॉज. बट अनलेस एंड अंटिल यू आर अ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड, यू आर नॉट बींग बाउंड एट ऑल. मतलब यू कैन नॉट हैव अ वन साइडेड बाइंडिंग विच इज A is married to B, but B is not married to A. ये टाइप का चीज इलीगल है, ये हो ही नहीं सकती. ओके. सो वेन यू रीड दैट एप्लीकेशन फॉर्म, दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर अगेन एंड अगेन इन मल्टीपल पॉइंट्स दैट बॉस वी आर नॉट मैरिड टू यू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वी आर नॉट कन्फरिंग एनी राइट ऑन यू. We are not reserving this flat also for you. Until and unless we reserve the flat, it is not reserved. आपने पैसे दिए हैं, but it is not reserved in your name. Okay. Until and unless it is reserved, that is, if you have a registered agreement with us, we are not bound. We can sell it at any point of time. Correct. So, वही मतलब मतलब वो लोग ऐसे brainwash करते हैं. I mean, they have expert in that. मतलब कुछ भी करके ऐसे कन्विंस करते हैं कि ये ऑफर दे रहे हैं, वो ऑफर दे रहे हैं, ले लो. तो हम लोग ये भी बोले सर कि करेंटली आप 55 लाख में बेच रहे हो, मेरे को 49.5 ही दे दो, आपको फिर 6 लाख का प्रॉफिट है वहां पे. राइट. तो बोलते आप बायर लेके आओ. मतलब मैं कहां से बायर लेके आऊं? नहीं नहीं, आप बायर लेके आओ वाला जो फंडा है ना, वो भी झूठ है. सी आप वो भी कर सकते थे, वी कुड हैव डन दैट ऑल्सो. But if you actually do it, you will find that you will be found, you will be left nowhere. I'll tell you why that also. Suppose they confer only a right of what you have given. So you have given them 25 lakhs. So let us say 12.5 per flat. Correct. Now you have to pay the remaining amount. Okay? Okay. Now, if they have conferred a right upon you to the extent of 12.5 lakhs. Then what you have to do is, you have to simply go to the market and tell somebody, अरे बाबा सुन, ये flat है, मैंने 12.5 दिया है, ठीक है, लेकिन I am giving you discount, तो मुझे 10 दे दे, मेरा नाम निकाल के तेरा नाम डाल दे. बराबर. ठीक है, so you can sell. If you, which means you have a right which you can transfer to somebody else. हाँ. क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक. इवन इफ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यू कैन ट्रांसफर दैट राइट टू समवन एल्स. दे हैव क्रिएटेड अ राइट इन योर फेवर ऑफ 12.5 लाख्स,
एंड यू कैन ट्रांसफर इट. आप 15 में बेचते हो तो आप 2.5 लाख कमा जाओगे. हाँ. आप 2-3 लाख छोड़ देते हो तो नुकसान करके भी आप बेच सकते हो. हाँ. ठीक है. इज दिस एक्चुअली द केस? दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. आप ट्रांसफर करने जाओगे तो आई कैन गारंटी दिस, वो कहेंगे बॉस वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी राइट इन योर फेवर, सो वी विल स्टिल फॉरफिट द एंटायर अमाउंट. यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी ट्रांसफरेबल राइट इन योर फेवर. और ये बात आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही लिखा हुआ है, एक बार नहीं बार बार लिखा है. तरह तरह से घुमा फिरा के सेम पॉइंट कम्स बैक अगेन एंड अगेन. वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी राइट इन योर फेवर, यू हैव नो राइट कमिंग आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म. सो हेड भी उनका है, टेल्स भी उनका है, मतलब हेड्स भी उनका है, टेल्स भी उनका है. ओके, विच मेक्स इट इलीगल. तो अब क्या होता है, सी सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. Suppose they had written in the terms and conditions, if you fail to pay the amount, your wife is mine. Suppose they had written it. Now can they insist? No, देखो आपने साइन किया है, आपने साइन किया है, अभी अपनी वाइफ को भेजो मेरे पास. Can they do it? And the answer is no. No. Why can't they do it? Because the Indian law does not support them in doing such a thing. Correct. Well, you can straight away say this is illegal. जब बुक करते हैं सर, इतना टर्म्स एंड कंडीशन होता है और आधा चीज तो समझता ही नहीं है. आप पढ़ ही नहीं सकते हो. आप पढ़ ही नहीं सकोगे. और आप अगर एक बार पढ़ भी लोगे ना, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट विद्वान लोग भी अगर एक बार फर्स्ट टाइम अगर पढ़ेंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या साइन कर रहे हैं. इलीगल इतना, यानी इतना घुमा फिरा के वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं. सब कुछ इनके फेवर में है. यू विल हैव टू बी अ जीनियस इफ यू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट द फर्स्ट टाइम. यू कैनॉट, इवन अज्यूमिंग यू रीड इट, विच यू कैनॉट. सेल्स ऑफिस में आप बैठ के पढ़ ही नहीं सकते हो. हाँ, वो तो बोल रहे जल्दी साइन कर दो, अब बंद करने का मतलब जाने का टाइम हो गया, खत्म करते हैं बुकिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. वो आपको पूरा डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं. सो यू डू, यू हैव नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर टर्म्स एंड कंडीशंस. आम आदमी उसको समझ ही नहीं सकता है. एक लॉयर या सीए भी एक बार पढ़ेगा ना फर्स्ट रीडिंग में, ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज साइनिंग, व्हाट ही इज साइनिंग, ही विल नॉट अंडरस्टैंड. मैं समझ चुका हूं बिकॉज वो मैं पढ़ पढ़ के आई हैव स्पेंट मेनी लाइक डजन्स ऑफ आवर्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग इट, सो आई नो व्हाट इज इन दिस. तो इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. यू विल नॉट अंडरस्टैंड. सो इट इज नॉट देयर फॉर, पहली बात है कि वो लिखते भी ऐसे फॉन्ट में है और ऐसे, यू नो इट इज रिटन ऑल्सो इन सच अ फॉर्मेट दैट यू विल नॉट रीड. आप पढ़ोगे नहीं. ओके, सो फॉर ऑल दीज रीजंस, सपोज दे हैड स्लिप्ड इन अ क्लॉज, अगेन कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल, योर वाइफ इज माइन, वॉट इज द आंसर टू दैट? दिस इज इलीगल बॉस, ये इलीगल है, यू कैनॉट एनफोर्स इट लीगली. The same thing applies to your 10% forfeit. It is exactly the same thing. It is illegal. Correct. Okay, now I will come to the strongest point, which is my third point. RERA Act regulates the relationship between flat buyer or what you are called allottee. You are an allottee. Okay. RERA Act regulates the relationship between promoter, that is builder, promoter of real estate, and flat buyer or allottee. ठीक है? RERA Act में कहीं भी एक भी जगह पे forfeiture का है ही नहीं. तो ये इनका लोधा का रूल्स है. करेक्ट, लोधा का रूल्स है या बिल्डर्स का रूल्स है. अब बिल्डर्स ने, सभी बिल्डर्स ने ऐसे ये टाइप के रूल्स बनाए हैं. ओके, बट इट इज एंटायरली इलीगल. और आपको सपोर्ट करने के लिए देर इज अ वेरी गुड ऑर्डर ऑल्सो. देर इज अ रेरा जज कॉल्ड विजय सतवीर सिंह, एज अर्ली एज 2018 उसका ऑर्डर है. ही सेड अ प्लेन रीडिंग ऑफ रेरा एक्ट शोज दैट देर इज एब्सोल्यूटली नो मेंशन ऑफ फॉरफीचर, एंड देर फोर अंटिल एंड अनलेस अग्रीमेंट हैज हैपेंड, it cannot be said that you have given any right to the builder or the builder has assumed he is getting any right under the act for forfeiting your amount. So if you are not entering into agreement,
The builder has to refund your entire amount. Order है. मतलब वो तो, I mean, we were not expecting entire amount. At least हम लोग तो ये सोच के चल रहे सर, at least booking amount तो cancel हो गई. आपको मतलब more than that आप ये तो. यानी आप तरह तरह से adjust करने को तैयार हो, आप थोड़ा छोड़ने को भी तैयार हो. हाँ. Okay. सर मेरे father ने इतना भी बोल दिया, चलो जो हो गया मेरा अभी ये situation है, मैं pay नहीं कर सकता, 5 lakh काट दो. 25 में से 5 lakh काट दो, राइट, मेरे को बाकी दे दो. वो बोल रहे लोधा में कैंसिलेशन ऑप्शन ही नहीं है. यानी यू आर टेकिंग अ वेरी सॉफ्ट स्टांस. हाँ. सो द लॉ विल सपोर्ट यू फॉर इवन टेकिंग अ वेरी हार्ड स्टांस. ओके, यू कैन टेक अ वेरी हार्ड स्टांस सेइंग मेरा पूरा रिफंड दो. बरोबर. हाँ, जीएसटी थोड़ा सा ग्रे एरिया हो सकता है, बट इवन जीएसटी इफ यू आस्क मी दैट इज ऑल्सो इलीगल, एंड आई टेल यू वाई. Suppose they forfeit the amount that they have paid as GST from you. Mm-hmm. Does it mean that the next buyer, क्योंकि वो flat किसी और को allot करेंगे? हाँ, उसको GST नहीं लगेगा. Does it mean that उसको उतना कम GST लगेगा? हाँ. And the answer is no. उसको भी GST लगेगा. Correct. Full GST लगने वाला है. हाँ. Now, does it mean that government will get more GST for that one flat? For that one unit which is sold or two units which are being sold? Nahi. Government will refund. Whom will it refund to? It will refund to Lodha. To the builder. To the builder. Will the builder pass on the benefit to you? Answer is no. No. Because by then he will aapse likh ke le lega ki I have no further claim and all that. So what they are doing is basically, and this is illegally nahi, a criminal hai. If you are taking tax money, mm-hmm, and then putting it into your own pocket, either tax money has to go to government or tax money has to be refunded to the customer. Correct. There is no scope and no ground for retaining tax money with the builder. Well, illegal, well, criminal, highly criminal, usko koi actually karega na, chadega na, to bahut bhari pad sakta hai Lodha ko. Aur other builders ko bhi. Ye log karte hain, very illegal, highly criminal, सीधा जेल टर्म हो सकता है. बस लड़ने वाला बंदा चाहिए. बरोबर सर. अभी देखो हम लोग का सिचुएशन ऐसा है, हम लोग रहते हैं उड़ीसा में, और right, हर बार ही मतलब अगर हम लोग तो ये भी सोचे थे कि लीगली जाएंगे, चलो कोर्ट. करेक्ट. बट सर कितने हम लोग दौड़ सकते हैं? आई नो कोर्ट सिस्टम डज नॉट सपोर्ट यू. आई एग्री, कोर्ट सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी पेनफुल. लॉयर रखो, बार बार डेट पड़ेगा, डेट पड़ेगा तो आओ, यू नो. आई गेट, आई अंडरस्टैंड दैट. सो और जब होके न्याय मिलेगा तो साल, दो साल, तीन साल, चार साल जाएगा, यू नो. रियलिस्टिकली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. अपना इंडियन सिस्टम डेफिनेटली अपने फेवर में ही आएगा क्योंकि हम लोग का कोई गलती नहीं है. बट सिस्टम स्लो है. सिस्टम स्लो है. आई अग्री विथ यू. सो बट so you have to fight. Now fight means what? So let us understand. Fight means to begin with, पहले आप उनको ये सारे points के साथ, including विजय सतबीर सिंह का वो order है, मैं आपको order भी भेजता हूँ. ठीक है sir. Okay, and this order has not been struck down by any forum. Okay, the order stands. I will send you that order also. आप दोबारा एक बार लिख के लोधा को भेजो. ठीक है. All the three, force majeure, application form ka logic, it is an application form, it is not a contract. In the language of the law, there is no privity of contract between you and between Lodha and you. Or Lodha and the party? And the party. There is no privity of contract. Correct. So since there is no privity of contract, you cannot be bound to anything. You have filled up an application form, you have signed it. It is only an application form. It cannot be construed as any kind of a contract, and you have no contractual bindings. Agreed. So this is point number two. And of course, point number three is there was a very clear order. The law is very clear about it. And further, RERA has adjudicated on the matter. Already kuch naya bachta nahi hai unke liye. So put in all those three points, write a letter again to them. And of course, you are going to public domain. Public domain mein jana zaruri hai because they should know that aisa galat kaam karoge, public se paisa lootoge, to boss, public ko, public mein, it is going to go out into public domain. That is something
they have to be very clear about. No, sir. Normally, देखो ये बहुत क्या बोलते हैं जब घर बुक करते हैं ये बहुत शुभ साइन होता है ये क्या मतलब हम लोग एक घर बुक किए एक नया रेसिडेंस ले रहे हैं बट सर ये लोधा के पास बुक करने के बाद ये तो अशुभ हो गया करेक्ट शुभ शुभ बोल के अशुभ होता है करेक्ट मतलब ऐसे मतलब नॉर्मली ऐसे होता है सर छोटे बिल्डर के साथ कि उसके पास पैसे नहीं होता है रिफंड करने के लिए राइट ये तो वन ऑफ द टॉप बिल्डर है मतलब उसके पास अगर उसके साथ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो सर अभी मतलब प्रॉपर्टी हैंडओवर करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकता और क्या क्या वो डिनाई कर नहीं सकता वो कुछ बहुत भी कुछ होता है बहुत कुछ होता है बहुत भयंकर कुछ होता है आप बुक करके आप अग्रीमेंट में चले जाओ बहुत सारे देर आर आई गॉट स्टोरीज इन माई चैनल सो मेनी स्टोरीज बहुत कुछ होता है पोजिशन आने के टाइम पे भी शोषण होता है when the possession is being given yani har level pe so that is true see they are a company which recently did an IPO they are a publicly held company now correct they are not even a closely held privately held company they which means company corporate governance mein they have to be more clean and they have to be more concerned with their dealings their dealings cannot be unlawful लेकिन पुरानी आदत है छूटती नहीं वही मतलब उनका जो मैनेजमेंट है सर पता नहीं उनका हम लोग ये भी बोले आपका एस्केलेशन मैट्रिक्स दो हम लोग आपके मैनेजर से बात करेंगे राइट वो कभी प्रोवाइड ही नहीं करते सर उनका एस्केलेशन मैट्रिक्स वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग अपना सीनियर मैनेजमेंट से बात करके ये करेक्ट करेक्ट वो आपको लीगल तक पहुंचने ही नहीं देते हैं वो दे विल होल्ड यू डाउन टू अ वेरी लो लेवल एज यू सेड देयर एस्केलेशन मैट्रिक्स एज यू कॉल्ड इट यू आर अनेबल टू एस्केलेट इट घुमा के दे विल होल्ड यू इन सीआरए एक बार आप एक मेल करोगे कि मिस्टर कैनेडी से सपोर्ट सही से नहीं मिल रहा बार बार ह्यूमैनिटी नहीं है बार बार ही वो लोग कॉल कर रहे हैं कॉल पेमेंट करो नहीं तो फोरफिट हो जाएगा फोरफिट मतलब आपका इतना कट जाएगा right. हम लोग बोले कि इतना सब इश्यूज हो चुका है हम लोग नहीं कर पा रहे right. फिर भी मतलब दूसरी बार और कोई कॉल करता है कि आप पेमेंट करो तब हम लोग फिर उसको समझाना पड़ता है कि हम लोग ने ऐसे बात किया था तो बोलता है वो मेरे को पता नहीं था राइट घुमा के दे रीच द सेम पोजीशन हाँ वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं दे डोंट एस्केलेट आई कंप्लीटली एग्री विद यू इसका मोडस ऑपरेंडी सर आगे जाता नहीं हम लोग इवन लोधा ऑफिस पे भी गए आप बोले कि आपके मैनेजर को बुलाओ हम लोग बात करेंगे उनसे तो बोलता मैं अपने मैनेजर से बात करके ही आया हूँ यही डिसीजन है उनका करेक्ट बात करने ही नहीं देते Right. I agree. That is not a way for a legitimate organization to function. Why? ये legitimate नहीं है. ठीक है sir. As you said, I'll draft an email. So you draft an email, put in those three points. Sure. Okay. I'll first send it to you, sir. Yes. Verify. You do that, and I will send you that order also. Sure. Okay. Read it. See, you will have to fight for it. Yes. Legal जाना पड़े तो I will. You know, path of least resistance among legal, of course, we will have to take the easiest course in the legal and lowest cost bane utna kam karke, but you will have to go probably to RERA. Correct. Okay. And of course, we are going to public domain. Yes. Because reputation banta hai and bigadta hai through your conduct. Correct. You know, if your conduct is not good, to उसको डिस्कस करना आपका कंडक्ट को डिस्कस करना तो बॉस बनता ही है वही ये बेसिक एथिकेट्स है सर आई मीन नॉर्मली व्हेन यू बुक एनीथिंग एंड यू आर नॉट एबल ठीक है आपके पास right. आप तो स्टार्टिंग में ही बोले थे कि 99,000 बुकिंग अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है राइट और हम लोग उसको मतलब वो हमको पता था एंड बाय दैट वी से ठीक है अगर भी कैंसिल करेंगे तो बुकिंग अमाउंट जाएगा नो डाउट right. वो छोटा अमाउंट नहीं है वन लाख रुपीज पर फ्लैट बट स्टिल वी आर ओके टू लेट इट गो No, you took a soft stand. You took a very soft stand. You are willing to adjust in number of ways. आपने तो बहुत ही soft stand लिया था. Sir, initially वही तो sir. हम लोग पहले बोले कि एक करो cancel नहीं किए, दोनों cancel करो, दो लाख काटो नहीं किए, दोनों cancel करो, पांच लाख काटो नहीं किए. फिर वो लोग ऐसे brain wash किए कि आप register करा दो next day और आपको 3 साल का time लेंगे. Right. उससे मेरे father convince होंगे. और फिर नेक्स्ट डे हम लोग खुद शो अप नहीं किए सर नो डाउट हम लोग एग्री किए थे कि नेक्स्ट डे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे राइट बट आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग शो अप नहीं किए बाय गॉड ग्रेस बच गए वहां पे राइट
Then I got to check about Lodha's issues. Then I came into your channel. And thanks a lot, sir, for Chalo, you're welcome. Ladke lena padega, milega. Ladke lena padega. And really, thank a lot, sir. I mean, mere ko ye way dikhane ke liye. मेरे को पता ही नहीं सर ऐसे कुछ होता भी था एंड रियली आई मीन हैट्स ऑफ टू यू सर बिकॉज़ यू आर हेल्पिंग विदाउट आई मीन कंप्लीटली विदाउट सेल्फलेसली यू आर हेल्पिंग सर गिविंग टाइम टू अस इट्स रियली ग्रेट ग्रेट ऑफ दैट यू आर वेलकम यू आर ऑलवेज वेलकम थैंक यू सर आई विल ड्राफ्ट एन ईमेल एंड आई विल सेंड इट टू यू परफेक्ट द ड्राफ्ट ईमेल एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड इट टू लोधा लेट्स गो फॉर्मली एंड सी हाउ इट इज भेजो 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 गुड ठीक है ओके थैंक यू सर चलो गुड नाइट गुड नाइट